हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको 16 सेट करा चुका हूँ जनरल अवेयरनेस के, जो DSSB ने डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए करते हैं आज। ये TGT मैथ मेल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी, NGT जिसको कहते हैं ना, जो पर्यावरण का ध्यान रखती है, तो 2010 में स्थापना हुई थी इसकी, 2010 में, ठीक है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में कहीं भी कोई भी विकास कार्य हो रहा है शहरों में, तो वो देखती है कि पर्यावरण को हानि ना हो, प्रदूषण कम हो। संसद इस सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को किस वर्ष पेश किया गया था, 1993 में फ्रेंड्स, ठीक है, 1993 में। भारत के पाँचवें राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो ये डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली वही हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के एक फोन कॉल पर 24 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, याद रखना आपको। पहले कौन थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद थे, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी वर्तमान में कौन से हमारे, रामनाथ कोविंद, कौन से नंबर के, 14वें नंबर के हैं फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद, याद रखोगे। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू, ये 13वें नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, ये तो सदाबहार प्रधानमंत्री हमारे, हर कोई जानता है इनको, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 15वें नंबर के हैं। तो 13, 14, 15 ऐसे याद रखना आपको। भारत के पांचवें राष्ट्रपति बता दी मैंने, फखरुद्दीन अहमद अली, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, साइड वाला। माप की इकाई, उस इकाई का पता लगाएं जो एक वैज्ञानिक के सम्मान में नामित नहीं है, तो रेडियन है, ठीक है, रेडियन उन किसी वैज्ञानिक के नाम में सम्मानित नहीं, सम्मान में नामित नहीं है। बाकी एम्पेयर, फेराडे, हर्टज, ये सारे के सारे क्या हैं, कि किसी वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा दक्षिण भारत से संबंधित है, तो सातवाहन कहाँ से थे, दक्षिण भारत से संबंधित थे, जबकि प्रतिहार मध्य भारत से, उत्तरी भारत से, सेना मोकरी, ठीक है, से संबंधित है। सातवाहन कुषाण, ये सारे, सातवाहन हो गया तुम्हारा, चोल हो गया, चील हो गया, पांडे हो गए, सारे के सारे कहाँ से थे, दक्षिण भारत से संबंधित थे सातवाहन। ये देख लेते हैं, भारत में चुनाव के लिए आचार संहिता को नियंत्रण करने के लिए वाले मानदंडों का सेट क्या कहा जाता है, राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ था, ठीक है। चुनाव के लिए जो आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना, तो वो राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के साथ पास हुआ था। भू क्षरण का कारण बनता है, अधिक चराई अगर हम कराएंगे, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 कर पढ़ रहा हूँ मैं, तो वो किसका कारण बनता है, भू क्षरण का कारण, लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है। FSDC का अर्थ क्या है, FSDC का अर्थ है भारतीय संसद के सदस्यों, FSDC का अर्थ है काउंसिल, क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संसद के सदस्यों के वेतन के भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल नंबर 106 में है, आर्टिकल नंबर 106, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। AMM मानक पर भूकंपीय क्षेत्र को मापने वाले भारतीय मानक ब्यूरो देश का भूकंपीय क्षेत्र में बांटता है, तो दो भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा हुआ हमने इसको, MN मानक को याद रखना है। सविता मेहता की शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, मणिपुरी नृत्य की, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और कथकली ये कहाँ का है, तुम्हारे केरल का, और कथक यूपी का, उत्तर प्रदेश का। सूक्ष्म लघु तथा मध्य आकार उद्यम दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। अंगोला शहर की राजधानी कहाँ पे है, लुआंडा, अंगोला की कहाँ है, लुआंडा, अजीब सा नाम है। राजस्थान का आधिकारिक खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, तो जाट थे जिन्होंने नहीं करी थी, ये देखिए 17 के ऊपर आंसर दिया हुआ ना इसका, यहाँ पे सिंधिया ने, होलकर ने, निजाम ने, इन्होंने करी थी, निजाम ने, ठीक है, निजाम हैदराबाद से थे, सिंधिया, होलकर। आगे देखिए 17 मैंने बता दिया। बास्केटबॉल कहाँ का है, राजस्थान का। भारतीय राष्ट्रीय गीत और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारतीय राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद के किस उपन्यासकार का एक गीत है, आनंद मठ का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय गीत क्या क्या है हमारा, वंदे मातरम।
दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ज्ञान प्रसारक मंडली से संबंधित है। तो इसमें वयस्क पुरुषों की शिक्षा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वयस्क पुरुषों की शिक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय भार व माप संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे, पेरिस में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप स्टडी, कीप